Good morning everyone and welcome to the class. Today we will start our last chapter. Now you have this RT3 paper 10, which is the last paper of your revision test, and in this chapter you will be there are some new additions, है ना, कुछ नई चीजें इसमें जुड़ी हैं और बाकी जो चीज़ें पढ़नी थी वो पढ़नी है, कुछ डिलीटेड है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. तो टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट भी है बट काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब एनी फोर मेजर डेवलपमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989, या डिस्क्राइब एनी टू डेवलपमेंट विटनेस्ड बाय इंडिया आफ्टर 1990, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी फोर मेन डेवलपमेंट्स विटनेस्ड बाय द कंट्री फ्रॉम 1989 टू 1992. ये क्वेश्चंस दिल्ली 2015 में आया, फिर ऑल इंडिया 2011 एंड ऑल इंडिया 2008 में आया हुआ है. तो सभी क्वेश्चन मिला जुला के एक ही है. तो इसमें जो क्वेश्चन है वो हम लिखते हैं, डिस्क्राइब एनी फोर मेजर डेवलपमेंट्स in the Indian politics since 1989. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. हालांकि इसमें इट डिपेंड्स, जब 4 मेजर डेवलपमेंट्स लिख रहा है तो 4 मार्क्स का, इसी को वो चाहे तो 6 मेजर डेवलपमेंट्स भी लिख सकता है तो 6 मार्क्स का हो जाएगा, 2 मेजर डेवलपमेंट्स तो 2 मार्क्स का हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन कितने भी मार्क्स में आ सकते हैं, इसको आप लंबे से लंबा तैयार कर लीजिए जितना कि मैक्सिमम हो सके. ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का आया तो है और इट केम इन द ईयर ऑर्डरली 2015. इसके अलावे ऑल इंडिया 2008 और 2011 में भी आया है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए आफ्टर 1989. जो मेजर डेवलपमेंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये हुआ कि कांग्रेस का डिक्लाइन स्टार्ट होता है 1989 के बाद से ही. टिल 1989 कांग्रेस ने अपनी एक तरह से कहा जाए तो सुप्रीमेसी बना के रखी थी. केवल एक ही समय था 1975 के जो इमरजेंसी था, उसके बाद 77 में जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में ही कांग्रेस जो है वो पावर से हटती है ना. उसके अलावे अगर हम 1952 से देखते हैं 1989 तक में, तो कांग्रेस जो है वो कंटिन्यूसली पावर में रही है. हाँ, सीट्स ज़्यादा कम होते रहे. जैसे अगर पहले 3 इलेक्शंस को देखें तो कांग्रेस वॉज द ओनली पार्टी, है ना, जिसको हम सिंगल पार्टी, वन पार्टी डोमिनेंस एरा भी कहते हैं, क्योंकि ओनली कांग्रेस वॉज देयर. उसके बाद 4th इलेक्शन में थोड़ी सी उसकी जो टाली होती है वो कम होती है, सीट्स कम होते हैं. देन फिर 5th इलेक्शन में वो जो कि इंदिरा गांधी ने रिवाइवल किया कांग्रेस सिस्टम का, और 1972 का जो इलेक्शन, 71 एंड 72 दोनों को इलेक्शन का, दोनों ही जो इलेक्शंस हुए उसमें ये समझ में आया कि कांग्रेस फिर से अपने डोमिनेंट पोजीशन में आ जाती है. एंड देन इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है 75 में, और इमरजेंसी के बाद जो इलेक्शन होता है उसमें कांग्रेस पावर लूज करती है, लेकिन दैट इज ओनली फॉर 3 इयर्स. अगेन कांग्रेस कम्स टू पावर इन द ईयर 1980, और 80 के बाद फिर क्या होता है, 83 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है,
बिकॉज ऑफ दैट ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद फिर से जो सिंपैथी वोट था वो कांग्रेस को बहुत बहुत बुरी तरह का सिंपैथी वोट मिलता है, मतलब एक्सेस लोगों को ये हो गया कि इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी देश के लिए। और उसके बाद जो इलेक्शन होता है 1984 में, उस इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो फिर से अपने डोमिनेंट पोजीशन में आ जाती है वह और सीट जीतती है। लेकिन इसके बाद फिर 89 का जो इलेक्शन होता है, दैट इलेक्शन प्रूव टू बी वेरी, जिसको कहेंगे कि बहुत, उस इलेक्शन के कारण बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो उसकी स्टार्टिंग जो है वो 1989 के इलेक्शन से ही होती है। तो अगर हम देखें 1984 का जो इलेक्शन है, उस समय कांग्रेस को बिकॉज ऑफ सिंपैथी वोट कांग्रेस वन 415 सीट्स, 415 सीट्स को कांग्रेस जीतता है, जो कि बहुत ही रिमार्केबल विक्ट्री है। और इसके बाद लेकिन जो इलेक्शन होता है 1989 का जो इलेक्शन होता है, उसमें कांग्रेस की टैली जो है वो घट करके 197 पे पहुंच जाती है, जो कि लोएस्ट टैली। कांग्रेस की इस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया था इसके पहले, इतना पुअर परफॉर्मेंस 89 में ये इलेक्शन का रिजल्ट होता है। एंड दैट इज़ वाई कांग्रेस वॉज नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द ईयर 1989, एंड दैट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, है ना, ये चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। तो अभी 89 के इलेक्शन में ये हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है। और फिर 1991 में, चूँकि आप जानते हैं जब भी कोलिशन गवर्नमेंट बनती है वो स्टेबल नहीं होती है, और वही हुआ, स्टेबल नहीं हो पाई ये नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट लूज कर जाती है, और 1991 में री इलेक्शन, फिर से इलेक्शन जो है वो फेस करना पड़ता है। और ये जो इलेक्शन फेस करना पड़ता है उसमें क्या होता है कि इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम में मई 1991 में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है ड्यूरिंग द कैंपेनिंग। तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय उनका असैसिनेशन होता है, और फिर से एक बार कांग्रेस जो है वो सिंपैथी वोट फिर से उसे मिल जाती है। और 91 का जो इलेक्शन है उसमें हम ये देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के सामने आती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये इस तरह के जो सिंपैथी वाले वोट होते हैं वो बहुत ही मोमेंट्री होते हैं, उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आगे फिर कांग्रेस जो है वो कभी भी उस पीछे की पोजीशन को नहीं पा सकी। तो ये कांग्रेस का डिक्लाइन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द पोस्ट 1989 एरा। एंड इसके बाद हम ये देखते हैं कि हालांकि बहुत सारे इलेक्शंस हुए और कांग्रेस कई बार लार्जेस्ट पार्टी ही बनकर रही, इम्पॉर्टेंट पार्टी बनी रही, कंट्री को ज़्यादा रूल किया उसने किसी भी अदर पार्टी से, लेकिन जो इसकी डोमिनेंस था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा डेवलपमेंट हम देखते हैं वो ये है कि वो भी कांग्रेस से ही रिलेटेड अगर एक साथ लेकर चले तो ज़्यादा बेटर होगा। कांग्रेस से रिलेटेड दूसरा डेवलपमेंट 1989 के बाद ये देखते हैं कि अभी तक कांग्रेस का जो लीडर रहा था वो नेहरू फैमिली के ही लोग थे, एक तरह का डायनेस्टिक रूल जिसको कहा जाता है, बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कांग्रेस पर कि ये डायनेस्टिक रूल है, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी, एक्चुअली इट्स अ डायनेस्टिक रूल। लेकिन ये जो एलिगेशन था इसको ये ख़त्म हो जाता है 1989 के बाद, क्योंकि 91 में राजीव गांधी का डेथ होता है, उसके बाद का जो इलेक्शन था उसमें फिर से सिंपैथी वोट जो मिली, जो अभी हमने डिस्कस किया, और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है 91 के इलेक्शन में और गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। तो पहली बार ये होता है कि कांग्रेस जो है वहाँ पर नेहरू फैमिली का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है, बल्कि एक अदर दैन नेहरू फैमिली जो है पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें जो पहला डेवलपमेंट है वो है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस।
जो दूसरा डेवलपमेंट है वो क्या है, वो है चेंज इन कांग्रेस लीडरशिप। अब जो तीसरा इश्यू है वो हम क्या देखेंगे, वो है मंडल इश्यू। मंडल इशू जिसको कि हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है, मंडल इशू जो है, मंडल कमीशन जो है वो सेटअप की गई थी 1980 में जो जनता गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट ने ही इसने इसको सेटअप किया था। बीपी मंडल के बीपी मंडल के चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाई गई थी जिसको में ये काम दिया गया था कि वो देखे कि जो ओबीसीज हैं हमारी कंट्री में उनको उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये देखने का काम इनको दिया गया था मंडल कमीशन को, और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है, ये कमीशन बैठी थी 79 में और मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में। ठीक है, तो जो रिपोर्ट मंडल कमीशन की थी उसमें ये कहा गया कि नहीं, जो ओबीसीज हैं उनका जितना पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली उनको नहीं मिला है रिप्रेजेंटेशन, और इस कारण से अगर हम उनके रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर बनाना चाहते हैं, देयर रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन, तो उनको रिजर्वेशन देना होगा। तो रिजर्वेशन की बात की गई और इसके रिकमेंडेशन को 80 में तो जनता गवर्नमेंट चली गई, और उसके बाद आ गई कौन सी गवर्नमेंट, उसके बाद आ गई कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया इस रिकमेंडेशन पर, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 80 में आई गांधी, इंदिरा गांधी, 84 में उनका असैसिनेशन हो जाता है और फिर इलेक्शन होता है, फिर राजीव गांधी हो गए। तो चीज़ें जिस तरह से आई इस बात को एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि ओबीसीज को रिजर्वेशन देना है, लेकिन कंट्री में पोलराइजेशन जिसको कहते हैं ना, पोलराइजेशन वॉज स्टार्टेड। ये पोलराइजेशन जो है ये शुरू हो चुका था, ओबीसीज जो थे वो अब कांग्रेस से दूर हो चुके थे, जो लीडर्स थे ओबीसी के, जो लोग थे ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, वो सबका जो जो एक एफिलिएशन था कांग्रेस के साथ वो अब ख़त्म हो चुका था, वो अपने आप को अलग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनका पोलराइजेशन हो चुका था। इसी को कहते हैं कि एक उनका जो कांग्रेस के साथ जो उनका रिलेशन था, जो लगाव था, वो सब चीज़ें अब खत्म हो गई। ये समझ में आ गया कि कांग्रेस इज नॉट अ पार्टी ऑफ फॉर द ओबीसी, है ना। तो ओबीसीज ने अपने आप को अलग से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, और इसी के साथ हम देखते हैं कि 89 के इलेक्शन में जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो क्या होता है कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, और जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है वो जो गवर्नमेंट है वो उसके उसमें जो लीडर है वो कौन होते हैं, वो वीपी सिंह होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और वीपी सिंह ने इलेक्शन लड़ा ही था इस मुद्दे पर कि अगर वो इफ़ ही इज़ वोटेड टू पावर, इफ हिज पार्टी इज वोटेड टू पावर, देन दे विल इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। तो जैसे ही वो पावर में आए उनका पहला काम यही था कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना, और इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही क्या होता है, पूरे कंट्री में विरोध शुरू हो जाता है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। एक तरफ तो जो ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया, लेकिन जो अदर कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इसका अपोज किया, खास करके जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनकी तरफ से अपोजिशन आया, जो स्टूडेंट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो इसी को हम लोग मंडल इशू के नाम से जानते हैं, और इस मंडल इशू ने क्या किया कि जो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, एक्चुअली इवन सच क्वेश्चंस आर देयर कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, है ना। तो क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इसमें आपको ये नहीं, मंडल इशू को सिर्फ नहीं डिस्कस करना है, मंडल इशू आप बताओगे देन यू विल हैव टू टेल द कॉन्सिक्वेंसेस कि आखिर इस मंडल इशू का क्या इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट ये हुआ कि जो ओबीसी थे वो बहुत ही ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी को लेकर के जागरूक हो गए, कॉन्शियस हो गए, और वो पोलराइजेशन जो थोड़ा अभी स्टार्ट हुआ था 80 के बाद से, वो पोलराइजेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस तरह से जो सोसाइटी को हम कह सकते हैं कि एक तरह का डिवीज़न
वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और इनका जो ओबीसीज थे उनका पॉलिटिक्स में जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती है, तो ये सब इम्पैक्ट हम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो सेकेंड चेंज जो हम देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग द मंडल इशू। और इसके अलावा जो थर्ड चेंज है वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके इसके बारे में भी हम लोगों ने सारी बातें बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये 91 का टाइम है, इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन से ऐड करके देखेंगे, इसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन से ऐड करके देखेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर और यूएस की लड़ाई जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो 91 में खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। अब यूएसएसआर खत्म हो चुका है, यूएसए जो है एक तरह से यूएसए की जीत हो चुकी है, और अगर हम देखा जाए तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में ये बात अब समझ में आ गई कि कैपिटलिज्म इज द विनर, है ना। तो अब क्या था कि पूरे देश के जो पूरी दुनिया के जो कंट्रीज थे उन पे एक तरह का प्रेशर आ रहा था। क्या प्रेशर आ रहा था कि उनको भी कैपिटलिज्म अडॉप्ट करना है। प्रेशर तो था ही, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रेशर। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में भी 1980s का जो डिकेड है या 89 तक के समय को अगर हम देखें तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो जा रहा था। इकोनॉमी बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि वी वर हेडिंग टुवर्ड्स दैट इनस्टेबिलिटी, दैट वो जिसको हम कहेंगे कि डायनामिक खत्म होता जा रहा था, डायनामिज्म जो है इकोनॉमी का खत्म होता जा रहा था, स्टैगनेंट होती जा रही थी इकोनॉमी। स्टैगनेंसी नहीं आई थी बहुत ज्यादा, इसको स्टैगनेंट नहीं कहेंगे, बट ग्रोथ का जो रेट था वो बहुत ही कम था। तो प्रेशर हमारे ऊपर सिर्फ ऐसा नहीं कि IMF और वर्ल्ड बैंक का ही प्रेशर था, बल्कि प्रेशर ये भी था कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो हमें ये समझ में आया कि वी नीड टू चेंज आवर पॉलिसी। प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था, WEF का प्रेशर था, IMF का प्रेशर था, लेकिन इन सब के साथ साथ इन प्रेशर्स की वजह से ही हम कहेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया। और ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया वो 1991 में किया व्हेन देयर वाज द रूल ऑफ कांग्रेस, ठीक है। नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह was a great इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने मनमोहन सिंह ने ही हमारी इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाया था, जिसका जो मेन फोकस था वो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ये तीन चीज़ों पे उनका मेन फोकस था, ठीक है। और हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, इकोनॉमी ओपन किया मतलब कहने का कि जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स लगे हुए थे, ट्रेड बैरियर्स लगे हुए थे, उसको ख़त्म किया। FDI हमारा ईजी हो गया, FDI के लिए पहले बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस थे वो सब ख़त्म कर दिए गए, और ये चीज़ें चेंजेस हैं। ये चेंजेस का बहुत ही लार्ज इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ही डीप इम्पैक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में सोशलिज्म को अडॉप्ट किया जा रहा था, मतलब सोशलिज्म के भी कुछ एलिमेंट थे, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, लेकिन 91 में हमने पूरी तरह से जो खुली इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी होता है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे हमको हमारे इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, सारा कुछ में काफ़ी चेंजेस हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया। उसके बाद जो चौथा चेंज हम देखेंगे वो है अयोध्या इशू, ठीक है। पांचवा चेंज, फिफ्थ, इट इज अयोध्या। सो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और इन सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, और ये चीज़ें हमें अभी आगे भी इसके बारे में फिर से सेपरेटली भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, खास करके 1980s मिड 80s से स्टार्ट होता है, और ये जब जनता पार्टी
जो जनता पार्टी बनी थी, जनता गवर्नमेंट बनी थी, जब उसका वो खत्म हो जाती है जनता गवर्नमेंट, उसके बाद ही जो भारतीय जनसंघ था वो भारतीय जनता पार्टी बन जाती है। और यहीं से हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में चेंजेस बहुत सारे आते हैं। और इसमें साहबानों का केस भी था जिसको यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें आप जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको लिखने में अगर वो सब चीज़ें लिखेंगे तो फिर तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं जिससे कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी पॉलिटिक्स है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं एंड वी स्टार्ट अ न्यू, एक नया एरा जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें कि अयोध्या इशू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। और जहां हम देखते हैं कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था अयोध्या में, उसको डिमोलिश कर दिया जाता है ऑन 6 दिसंबर 1992। और इस इवेंट के कारण हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, पॉलिटिक्स पे तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, ये सब इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और एक नए तरह के नेशनलिज्म की बात होने लगती है, नेचर ऑफ नेशनलिज्म जो है वो चेंज हो जाता है, सेकुलरिज्म का रूप बदलने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी और हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा था उससे वो जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे मेजर डेवलपमेंट्स हैं। इसमें अगर सिक्स डेवलपमेंट्स आते हैं तो आप छठा पॉइंट जोड़ सकते हैं, एरा ऑफ कोलिशन, बिकॉज ये जो हमारा डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस से ही ये जुड़ा हुआ है, बहुत दीज आर कनेक्टेड है ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हुआ एंड दिस डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस लेड टू द स्टार्टिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन, है ना। तो ये हमारा एरा ऑफ कोलिशन हम इसमें दे सकते हैं कि 1989 के बाद कोई भी पार्टी जो है वो उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाई और इस कारण से कोलिशन के गवर्नमेंट की स्टार्टिंग होती है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसमें आप नेशनल फ्रंट के बारे में, यूनाइटेड फ्रंट के बारे में, देन यूपीए, एनडीए, सब के बारे में दे सकते हैं, बट यू मस्ट कीप इन माइंड द टाइम फैक्टर, है ना, कि ये नहीं कि इतना लंबा आंसर कर दे कि बस एक ही आंसर करते करते हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए, ये आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ हॉट्स, क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको बुक में ऐसे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन है, In what way do the coalition governments prove to be more democratic than the one-party government? Question, मतलब इस तरह के क्वेश्चन इसको हॉट्स का आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि coalition government जो है वो one-party government से ज़्यादा democratic कैसे कह सकते हैं, on what basis we can say it? इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, When and why did a large, long phase of coalition politics begin in India? Explain the impact of coalition government on Indian politics. Impact, क्या impact पड़ा? और what is alliance politics? How has it influenced the Indian politics? है ना? How far it is correct to say that coalition government in India has helped in arriving at some consensus? That is also very good question. Describe any two advantages and two disadvantages of coalition government in India. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें यही बताना है कि जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोलिशन गवर्नमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। इसमें कुछ आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताने होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। तो पॉजिटिव जो पॉइंट्स होंगे वो तो हमारा यही होगा कि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट आती है तो इट इज़ मोर डेमोक्रेटिक। वाई इज़ इट मोर डेमोक्रेटिक? बिकॉज जब वन पार्टी डोमिनेंस होता है तो वन पार्टी डोमिनेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि एक पार्टी को मेजोरिटी मिली हुई है। जब एक पार्टी को मेजोरिटी मिली रहेगी तो द पार्टी इज़ वेरी मच सिक्योर, उसको कोई डर नहीं है, किसी तरह का इनसिक्योरिटी नहीं है, वो जो चाहे वो डिसीजंस ले सकती हैं, बोल्ड डिसीजंस ले सकती हैं, ऐसे डिसीजंस ले सकती हैं जो कि लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी जा सकता है, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ द मेजोरिटी।
तो इस तरह का जब सिचुएशन जहाँ भी होता है, अगर ये प्रोलॉन्ग करता है कि एक ही पार्टी को बार 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 मेजोरिटी मिली जा रही, तो इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि पावर का मिसयूज़ होगा, अकाउंटेबिलिटी लूज कर जाएगी, गवर्नमेंट विल नो मोर बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी लूज करेगी गवर्नमेंट, एंड डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में कमी आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल फियरफुल, गवर्नमेंट पूरी तरह से सिक्योर है कि हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो मेजोरिटी है ना। तो ये सबसे बड़ा अनडेमोक्रेटिक करेक्टर होता है, गवर्नमेंट को इररेस्पॉन्सिबल और अनअकाउंटेबल बनाती है। दूसरा जो इसके अंदर हम हाँ अगर कोलिशन गवर्नमेंट का फायदा देखेंगे तो उसका फायदा ये है कि डेमोक्रेटिक बनाती है। क्यों? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर वो अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट टेक, द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक यूनिलैटरल डिसीजन। वेन एवर द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टेक डिसीजन, ही और सी मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन द व्यूज एंड ओपिनियंस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द कोलिशन, है ना। जो भी कंस्टिट्यूएंट है जिनके मिलने से कोलिशन बना है, उन सब के विचारों को उनको देखना होगा, समझना होगा, वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द नेगोशिएटर, उसको नेगोशिएट करना पड़ता है, उसको सबको लेकर चलना है, क्योंकि अगर किसी ने भी उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया तो हो सकता है वो मेजोरिटी लूज कर जाए और पावर खत्म हो जाए उनकी, तो उनको सबको लेकर साथ चलना है। तो ही प्लेज द रोल ऑफ द नेगोशिएटर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ डिसीजन मेकर, सबको लेकर के चलना पड़ता है। तो दिस इज, सबको लेकर चलना मतलब क्या हुआ, दिस इज एकोमोडेशन। डिफरेंट डिफरेंट जो इंटरेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, डिफरेंट पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, सबको आप लेकर चल रहे हैं, यानी कि सारे जो ग्रुप्स हैं कंट्री में, मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स हैं कंट्री में, उन सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जा रहा है। दिस इज एकोमोडेशन, दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज वॉट वी वॉन्ट। इसमें बुराई क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको, आप यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, अपनी पार्टी की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन नहीं ले सकते, बल्कि आपको अदर पार्टीज का भी ध्यान रखना है। तो दिस इज वेरी गुड, दिस इज हाईली डेमोक्रेटिक। तो दिस इज द मेरिट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, नॉट ओनली इट इज डेमोक्रेटिक बट इट इज इट प्रमोट्स फेडरलिज्म ऑल्सो। हाउ इट प्रमोट्स फेडरलिज्म, बिकॉज जब हम देखते हैं कि जो हमारे नेशनल पार्टीज हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं वो तो गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, ठीक है, बट जब अलायंस बनता है, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, तो क्या होता है, तो होता ये है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी उसका हिस्सा बन जाती है। जो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करने वाली पार्टी है, उनके भी एमपीज, अगर वो एमपी इलेक्शन में जीत रहे हैं, उनके भी पास एमपी हैं और वो अलायंस का हिस्सा है या कोलिशन का हिस्सा है, तो क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका से बढ़ जाता है, उनकी अहमियत बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, और जब रीजनल पार्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टेट की भी वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश की रीजनल पार्टी है। अब टीडीपी जो है वो एनडीए का एक पार्ट है, ठीक है था। अब टीडीपी की तरफ से डिमांड हो रही थी कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट का रैंक स्टेटस मिलना चाहिए, अब नहीं दिया एनडीए ने, तो उसने क्या किया, अपने आप को हटा लिया, हम एनडीए के पार्ट नहीं रहेंगे। तो इस तरह का जो प्रेशर टैक्टिक्स होता है, एक्चुअली इट इज पॉजिटिव। अगर हम इसको डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट से देखें, अगर इसको हम फेडरल कैरेक्टर के व्यू पॉइंट से देखें, तो इट इज पॉजिटिव। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कोलिशन का। तो कोलिशन जो है वो डेमोक्रेटिक है, कोलिशन जो है वो हमारे फेडरल नेचर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, कोलिशन जो है वो डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट व्यूज को अकोमोडेट करता है, और इस तरह से ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। बट इसके बैड इम्पैक्ट्स भी हैं। बैड इम्पैक्ट क्या होता है, इसके जो डिमेरिट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट डिमेरिट तो इनस्टेबिलिटी है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो कभी भी माइनॉरिटी में आ सकती है। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट विल कम इन माइनॉरिटी और गवर्नमेंट गिर जाएगी, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी जिसको कहेंगे कि कमी है, वो यही इसकी कमी है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ बोल्ड डिसीजंस गवर्नमेंट नहीं ले पाती है,
या वो इस बात के लिए चाहती है, उसका मैनिफेस्टो में उसने वो किया होता है, प्रॉमिस किया होता है, लेकिन फिर भी वो उसको पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं। वो जानती है अगर वो उसको करेगी तो उसका उससे समर्थन वापस ले लिया जाएगा। जैसे कि जब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, वीपी सिंह ने इम्प्लीमेंट किया इसको, मंडल कमीशन को, तो इस मुद्दे पर वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई, समर्थन वापस ले लिया गया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पॉलिटिकल पार्टी थी लाइक बीजेपी ने उसे वापस ले लिया समर्थन और वो माइनॉरिटी में आ गई। तो ये बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमेरिट। और सबसे बड़ी चीज़ फॉरेन पॉलिसी में बहुत प्रॉब्लम आती है कि अगर डिफरेंट गवर्नमेंट आ रही है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उनके पॉलिसीज अलग अलग हैं, तो उसको लेकर भी प्रॉब्लम्स आती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस, वी विल राइट डाउन दिस दीज पॉइंट्स विच आई डिस्कस्ड टुडे इन द नेक्स्ट क्लास।